आज भारत के विदेश मंत्री ने लंदन की धरती से इमरान की कल वाली पुंगी के सारे सुर बेसुरे कर दिए। निश्चित रूप से अंडे खान के अरमान काफी या ये कहे पूरी तरह ठंडक कर दिए गए। इस अंडे खान ने इस्लामाबाद की हीरा मंडी वाली जो स्पीच पड़ी थी, यह उसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री का जवाब था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पिद्दी मुल्क के फिसड्डी यूटर्न लीडर से भारत जैसे श्रेष्ठ देश का बातचीत का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी भारत कूटनीति के पुरोधाओ के पास इतना वक्त नहीं है जो बेफजूल में ऐसे लोगों से मगजमारी करके अपना कीमती समय जाया करे। परंतु इसके बावजूद भी एस जयशंकर ने एक ऑप्शन इस फिसड्डी लीडर के लिए जरूर छोड़ा है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर भारत से बातचीत करने के लिए इतनी ही फटी जा रही है तो पाकिस्तान को दाऊद और हाफिज जैसे जमूरों को भारत के हवाले करना होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में छुपे बैठे इन जमूरों को साड़ी पहनाकर भारत के नौनिहालों के आगे मुजरा करवाया जाना निश्चित है। यानी साफ है, भारत किसी भी हाल में अब भारत को ललकारने वालों को पुचकारने वाला नहीं है, बल्कि इनके तहमंद इनके गले में डालने का प्लान तैयार है। फ्रांस के अखबार ला मंडे में प्रकाशित एस जयशंकर के इन शब्दों से पाकिस्तान बिलबिला गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अब हाफिज और दाऊद के कारनामों से मुकरने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल ही भारत से अमन और शांति की दुआई भेजी थी, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक झटके में फटके दे दिए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों भारत से उसके व्यापार बंदी के चलते वहां के तमाम कारोबारियों में रोष पनप रहा है। 3 दिन के लिए व्यापारियों ने हड़ताल करके इमरान को अपना संदेश भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि या तो भारत से व्यापार शुरू करो, नहीं तो अगले कदम के लिए तैयार रहो। आज बात यह है कि पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन की इस हड़ताल का बड़ा असर हुआ, जिसके बाद मुगलों का दोगला ब्लड अब अपने सुर बदल रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत पर इमरान के शांति संदेश का कोई असर नहीं पड़ा, उल्टे एस जयशंकर ने पाकिस्तान को और लपेट दिया। यानी भारत तब तक इस मुल्क का पीछा छोड़ने वाला नहीं है जबकि पाकिस्तान की दुम इसके जिस्म से अलग नहीं हो जाती। इनकी मदरसा जमात ने जो उत्पात मचाया है, भारत उस पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है। परंतु चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया करतारपुर गलियारे के नाम पर इमरान खान को नोबेल पुरस्कार के दावेदार के रूप में प्रचारित कर रही है। इन्हें लगता है इनका बकलौल वजीर आजम शांति का सबसे बड़ा कनस्तर है, जिसे खड़काकर पाकिस्तान की झोली में नोबेल डाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तहमदों की बिक्री जो रोल निभाती है, इमरान खान की सलवार भी शांति की महफिल में गज और मीटर के पैमाने पर सटीक उतर सकती है। यानी अंडे खान तब्दीले खान के बाद इन्हें नोबेल खान का तबगा भी मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान की तरफ कटु दृष्टि से देख रहे मोदी इनके तहमदों को देखकर ही जले भुने हुए हैं। इसलिए इमरान खान अपने हर भाषण में जब तक मोदी का नाम नहीं लेते, इनका उवाच पूरा नहीं होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत मोदी है। इन्हें लगता है मोदी ने नोबेल नहीं नौटंकी के लायक ही समझता है, इसलिए इमरान खान भारत से अमन और शांति की बातें करके नोबेल की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान यदि अपने मुल्क के 40,000 जमूरों और उनके रहनुमाओं को हुरों की खोज में भेज दे तो भारत को इनके नोबेल पुरस्कार से कोई मतलब नहीं रहेगा। यूं भी किसी मदरसा पैदाइश को आज तक नोबेल नहीं मिला है। जहां जमूरे पैदा होते हैं वहां नोबेल पहुंच जाए, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। शायद इसलिए भी एस जयशंकर ने हाफिज और दाऊद को भारत के हवाले करने को कहा है। पर भारत को इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इमरान पर चढ़े नोबेल के फितूर का फायदा उठाकर खुद उन जमूरों को हुरों की खोज में भेज देना चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।